जय हिंद। आइए अभी हम देखते हैं कि ये जो पावर लगता है कि 10^5, 50^23, ये कैसे, इसको इंग्लिश में हम देखें तो इसको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसका एक डेमो करके हम इसे देखते हैं। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि समझाने में अच्छा रहे, और मैं लिख लेता हूँ 80 पावर। मान लीजिए मेरे को 80 पे पावर 90 देना है। ठीक है, तो इसको देखिए, जिस पे भी आपको पावर, जिसको भी देना है, मेरे को 90 पावर बनाना है, तो मैं 90 को सिलेक्ट कर लूंगा। और सॉरी ये पूरा हो गया, लेकिन 90 को ही केवल मैं करूंगा। जैसे ही ये हो चुका है 90, तो उसके बाद देखिए आपको ऊपर में जाना होगा। ऊपर में देखिए यहाँ पर लिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक बार जूम कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो भी ये सुपर स्क्रिप्ट है, इस पर आपको जाकर क्लिक, जैसे ही आप करिएगा, ये आपको पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको नीचे में करना है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ 50 पे पावर, अगर नीचे में आपको 6 देना है, तो उस केस में आपको सब देखिए, जब भी आप एक बार कर दिए तो उसके बाद पहले आपको ये अनटिक करना होगा। अनटिक करिएगा, देखिए लिखा मैं, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये टिक है, इसको पहले आप अनटिक करिएगा तो ब्लू हो जाएगा। हो गया, इसके बाद आप कुछ भी लिखिए। 50 पे पावर मेरे को नीचे में 3 लेना है, तो नीचे में हम कैसे लेंगे, नीचे वाले को हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। ये पे जाइएगा, इसके बाद फिर मैं थोड़ा यहाँ आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस पे आप जाइएगा, जो कि ये इसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं, देखिए उसके जस्ट बगल वाला है, तो इस पर आप जाके जैसे ही क्लिक करिएगा, नीचे में पावर चला आएगा। और इसके इससे आपको जो भी करना है, अगर 10^-माइनस अगर आपको, देखिए पहले आपको ये हटाना होगा, इसके बाद ही आप टाइप करिएगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। 10^-माइनस अगर मेरे को मानिए 2 लिखना है, तो मैं लिख लिया, इसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूंगा इन्हें, और फिर से मुझे अगर ऊपर में करना है तो सब स्क्रिप्ट पे कर दूंगा, और नीचे में करना है तो ये जो बगल वाला जो आपको दिख रहा है उस पर मैं क्लिक कर लूंगा। तो मेरे को करना है ऊपर में, तो ऊपर में मैं कर दिया, हो गया। अब बात आता है जो पावर पॉइंट है उसमें कैसे होगा, तो उससे पहले हम फोटोशॉप में देख लेते हैं। देखिए फोटोशॉप में आप आइएगा, इसके बाद न्यू पेज लीजिएगा, ये तो आपको पता ही है अगर आपको फोटोशॉप थोड़ा भी आता है तो। इसके बाद टेक्स्ट में जाइएगा, टेक्स्ट में जाने के बाद मेरा यहाँ पे कृतिदेव है, तो मैं पहले इसको इंग्लिश वाला लेटर कर लेता हूँ, इंग्लिश वाला हो गया। इसके बाद मैं कुछ भी लिखता हूँ, 10^ ये थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ, कलर पीला है जो कि मेरे को काला लेना चाहिए, हो गया। इसको मैं अगर 10 लिखता हूँ, और यहाँ पे मेरे को पावर 5 करना है, तो इसमें भी सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, और देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना होगा, जो आप देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लॉगली, लॉगली जो लिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो इस वाले पे आप जाइएगा। जैसे ही आप इस वाले पे अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लॉगली लिख रहा है ना, इसी पे आपको जाना है। इस पे आपको जाने के बाद आपको इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, आपको साइड में एक चार्ट खुल जाएगा, ये वाला चार्ट है जो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें ही जा करके आपको, इसमें जा करके आपको यहाँ पे टिक करना है, ऊपर में करना है तो यहाँ पे, नीचे में करना है तो जस्ट इसके बगल वाला जो है उस पर करना है। तो मेरे को ऊपर में करना है तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे भी पावर बन गया। ठीक है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, 50 कर देता हूँ, और इस पर पावर मैं 89 देता हूँ। तो मैं 89 को नीचे में करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक किया, इसके बाद देखिए इसके जस्ट बगल वाला जो है, देखिए पहले यहाँ पे आपको अनटिक करना होगा, मैं अनटिक नहीं किया हूँ, तो देखिए मेरा ऐसा लिख रहा है। पहले मैं इसको अनटिक करूंगा, इसके बाद अब फिर से मैं लिखूंगा, तभी मेरा काम करेगा। 50 पे पावर 23 मानिए, पहले देखिए कर लिया, बैक कर लिया, इसके बाद अभी अनटिक करना होगा, यहाँ पे टिक पहले से है, तो 50 लेता हूँ, 50 पे पावर 26 लेता हूँ मानिए, या आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके बाद इसको सेलेक्ट करिएगा, और फिर से अगर आपको नीचे में करना है अगर, तो आप देखिए बगल वाला जो है, मैं जूम करता हूँ, तो इस पर आप क्लिक करिएगा, जिस पर अभी ब्लू दिख रहा है, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, बस ये नीचे में आ जाएगा। बाकी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब बात आता है पावर पॉइंट पर, आइए देखते हैं हम पावर पॉइंट के बारे में। देखिए पावर पॉइंट में अगर करना है आपको, तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन पावर पॉइंट में करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ एक ट्रिक है पावर पॉइंट में भी करने का। देखिए पावर पॉइंट में आप कैसे करना है, आपको आ करके सिंपली माइक्रोसॉफ्ट में आ जाना है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट में जो भी लिखना है, मानिए मेरे को लिखना है, क्या लिखना है, मानिए लिखना हमको NA, कैपिटल में लिखता हूँ NA, और यहाँ पे पावर मेरे को 10 लिखना है। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करके मैं इसको ऊपर, देखिए पहले मेरे को टाइप करने से पहले यहाँ अनटिक करना चाहिए था, जो कि मैं अनटिक नहीं किया हूँ, तो इसलिए मेरा ये छोटा लिखा रहा है। तो उसको पहले मैं बैक करूंगा, इसके बाद यहाँ जा करके मैं इसको अनटिक करूंगा। ठीक है, अनटिक जैसे ही मैं इसको करता हूँ, अनटिक करने के बाद मैं 10 यहाँ पे 10 पे पावर, सॉरी NA था ना यहाँ पे, तो NA पे पावर 24 है, एन ए पावर 24 को सिलेक्ट मैं करूंगा। सिलेक्ट करने जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ, हाँ इसके बाद मेरे को ऊपर करना है तो मैं ये क्लिक कर दूंगा, ये क्लिक किया, इसके बाद अगर मेरे को यही चीज लिखना है यहाँ पे पावर पॉइंट में, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और फिर से मैं जाऊँगा पावर पॉइंट में, और यहाँ पे आकर
पेस्ट कर दूंगा, देखिए आ गया। तो देखिए तरीका सेम ही है, लेकिन आपको करना यही है कि आपको यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, आपको पहले जो माइक्रोसॉफ्ट पे करना होगा, जो भी लिखना है लिख लीजिएगा, इसके बाद जो सेलेक्ट कर लीजिएगा जैसे आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद कॉपी करिएगा, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, और फिर ले आकर यहाँ पे पेस्ट, जैसे ही आप करते हैं ये पूरा पूरा डिट टू एकदम जैसे आपका था वैसे ही आपको यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके, और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।